डीजीपी कहते हैं कि उनको हनीप्रीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस तरह की उनको कोई लोकेशन उनके बारे में अभी तक उन्हें नहीं पता चल पाई है। और ये एक बड़ा चौंकाने वाली चीज़ है कि डीजीपी हरियाणा के अगर ये कहते हैं कि हनीप्रीत की उनको कोई जानकारी नहीं है और हनीप्रीत मीडिया के सामने आ जाती है, तो समझ सकते हैं कि आप किस तरह से पुलिस व्यवस्था चल रही है, किस तरह से हमारी पुलिस महकमे की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कुछ कर रही हैं, अब आप समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी अनिल चंडीगढ़ से ही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, डीजीपी का जो बयान आया है, क्या समझा जाए कि हरियाणा पुलिस हनीप्रीत की तलाश करना नहीं चाह रही है या उनसे हो नहीं पा रहा ये काम? जी, आज हनीप्रीत के बारे में जब हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधु से पूछा गया कि हनीप्रीत कहाँ है, आपके पकड़ में है या नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमारी गिरफ्त में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि अगर वो मीडिया के है तो उनको जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि वो अपराधी है और अपराधी को की सूचना देना भी एक गुनाह है। ये बात उन्होंने आज हमारे से बातचीत की है। जी, लेकिन गजब बात है, हरियाणा के डीजीपी मीडिया को सबक सिखा रहे हैं कि किस तरह से अपराधी को सामने लाना चाहिए, लेकिन हरियाणा के डीजीपी खुद क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हनीप्रीत की तलाश में अगर मीडिया हनीप्रीत तक पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो अनिल ये उठेगा कि हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा की पुलिस व्यवस्था, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो क्या कुछ कर रही हैं? जी, पुलिस बार बार पहले भी कह चुकी है और और पुलिस का कहना है कि जब भी पूछा गया है उनसे तो उन्होंने कहा है कि जांच सही दिशा में चल रही है और हनीप्रीत को कोर्ट में सरेंडर करना ही पड़ेगा। ये पुलिस भी बात कह चुकी है और पुलिस जो है इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। और जब आज उनसे बातचीत की गई पुलिस महानिदेशक से, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अभी तक हनीप्रीत पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। जी,